नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो का सातवां पाठ पापा खो गए का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसमें हमने देखा था ना कि खंभा, लेटर बॉक्स, पेड़ और वो पोस्टर वाली लड़की बातें कर रहे थे आपस में। कौवा और वो एक बच्चों को उठाने वाला एक लड़की को उठा लाता है और उस पेड़ के नीचे सुला देता है। और जब वह लड़की जागती है तो वो सोचती है उनको बातें करते हुए देखकर कि मैं सपना देख रही हूँ, और वह बहुत डर जाती है। तो बच्चों आइए उससे आगे हम पढ़ते हैं। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। वो उसको चलते और बोलते देखती है तो उसे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो सपना देख रही हूँ। लेटर बॉक्स, कभी ना देखे हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है, तू रहती कहाँ है? तो लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो लेटर बॉक्स कह रहा है, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ? तो उससे उसका पता पूछ रहे हैं लेटर बॉक्स। लड़की, हाँ, घर हमारा गली में है, हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली कहाँ है? तो लड़की कह रही है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, हर घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लेटर बॉक्स को सब लोग क्या बोलते थे? लाल ताऊ। लड़की, ये सब कौन, ये सब कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे ही बात बता रहा था, तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी लंबी और ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, बीच में ही खंबा, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। तो इतना सुनते ही वो खंबा से रहा नहीं जाता तो वो एकदम बीच में से उस बोल पड़ता है, कमाल है। तो लड़की को बहुत आश्चर्य होता है, लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा, जीप काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की कह रही है, मुझे सुनाई दिया है, वहाँ से ऊपर से पेड़, हाँ, एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह है, कौन? कौवा, खंबा, गधा है यह भी। पेड़,
जब ना बोलना हो तो जरूर पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन, तो उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। तो लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा और यह कुआ भी और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब हम बोलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज़ यह है फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता, खम्बा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, तो वह उनको अपने पास बुलाती है, लेकिन सब पहले क्या करते हैं, उनको झिझक होती है, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है, क्योंकि वो तो लोहे का है और वो खड़ा ही रहता है। खंभे खंभे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टी शर्ट से जैसे सजा मिली हो। तो वो कह रही है, जैसे हमें अध्यापिका या हमें गुरुजी सजा देते हैं ना, उसी प्रकार ये सीधा खड़ा ही रहता है। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, मतलब हाँ मैं गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं, बैठने में बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, तो वो ताली बजाकर हंसती है और बोलती है, खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, उसे बहुत आराम महसूस होता है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़, मैंने देखा था, जीप काटता है, आहा मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर, तो वो पेड़ को कहती है कि तुम चाहे जो कुछ भी, तुम्हारा जो मन करता है तुम वही बोल देते हो, तो मैं तुम्हें 0 नंबर देती हूँ। पेड़ खंबे को आँख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, अब हम खेलें? हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, फिर घुंघरुओं की आवाज़ आती है, मज़ा। ए लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोच कर मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊँ? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊँ करके? तू कह रही है कि मैं तुमको क्या नाच के दिखाऊं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, तो मैं क्या तुम्हें नाच कर बताऊं? सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है, पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला, सचमुच। खंभा कह रहा है कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। देखो ये बच्ची है ना, सबके साथ बातें कर रही है, नाच रही है। लेटर बॉक्स, बाप रे, तो अब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं, सभी दाद देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, मतलब नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है। कौन आ जाता है? जो उसको उठाकर लाया था, बच्चों का अपहरण करने वाला। देखते ही सब निस्तब्ध, सब शांत हो जाते हैं, नाचने वाली पोस्टर के भी
जा खड़ी होती है सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुपक जाती है, छुप जाती है वो डर के मारे। उस आदमी को देख कर डर जाती है और सब अपनी अपनी जगह जाकर शांत खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वह लड़की भी डर के पेड़ के पीछे छुप जाती है और घबरा जाती है। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेष पार्ट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।